हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबुल स्टडी। दोस्तों, हम रोज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहते हैं। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी हमने क्लास 10 मैथ से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, जो कि आपको कभी भी काम आ सकता है, आपके परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आप इसे ज़रूर याद कर लें। अगर आपको इनका आंसर मालूम हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। दो समकोण त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है आर्यभट्ट, बी में है यूक्लिड, सी में है थैल्स और ऑप्शन डी में है पाइथागोरस। दोस्तों बता दें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थैल्स। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। सभी वर्ग क्या होते हैं। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है समरूप, बी में है सर्वगसम, सी में है समानुपाती और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। बता दें, आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समरूप। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूसरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है भुजा, बी में है कोटि, सी में है अक्ष और ऑप्शन डी में है आलेख। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटि। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। यदि समानांतरण चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतरण चतुर्भुज कैसा होगा। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है आयत, बी में है वर्ग, सी में है समचतुर्भुज और ऑप्शन डी में है समलंब। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समचतुर्भुज। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है चाप, बी में है व्यास, सी में है चापकरण और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यास। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 2 इकाई, बी में है 4 इकाई, सी में है 6 इकाई और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। बता दें, आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 इकाई। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। किसी वृत्त से बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 2, बी में 4, ऑप्शन सी में है 6 और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। बता दें, आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। एक वृत्त के कितने समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 2, बी में 4, ऑप्शन सी में है 3, डी में है अनगिनत। दोस्तों बता दें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा कौन होती है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है समानांतर, बी में है लंब, सी में है समरूप और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंब। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। सभी वृत्त क्या होते हैं। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है असमरूप, बी में है लंब, सी में है समरूप और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समरूप। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है x मात्रक, बी में है 2 मात्रक और ऑप्शन सी में है 4 मात्रक, डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बता दें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 मात्रक। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। किसी वृत्त के केंद्रक से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 5 सेंटीमीटर, बी में है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 10 सेंटीमीटर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 सेंटीमीटर। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। यदि किसी वृत्त की परिधि 4x से 8x हो जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है आधा, बी में है 2 गुना, सी में है 5 गुना, ऑप्शन डी में है 4 गुना। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 गुना। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 2 इकाई, बी में है 4 इकाई, ऑप्शन सी में है 6 इकाई, डी में है 5 इकाई। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 इकाई।
और अगला और आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है 2x, बी में है 4x, ऑप्शन सी में है 2 और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। दोस्तों इसी प्रश्न के साथ होता है आज का हमारा वीडियो खत्म। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर, और आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।